हाफिज सईद की जगह पाकिस्तान के बजाय भारत की किसी जेल में है। और जब मोदी जी गए थे तो मुबारकबाद के मुकाबले बदले में हाफिज सईद मांग लेते तो ज्यादा अच्छा था। बात तो स्पष्ट तौर पर मानिए कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी से विरोध होता है वो बहुत ही सैद्धांतिक विरोध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या हो रहा है खास करके पाकिस्तान से, उसे आवाम को आप भिज्ञ रखिए, वो आवाम को ज्ञात हो कि क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक रही बात हाफिज सईद जैसे लोगों की, तो उनके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी बौखलाहट तो तमाम उन चीजों से होगी जिन चीजों से उनकी राजनीति और उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और हाफिज सईद जैसे लोग हिंदुस्तान जैसे मुल्क का एक इंच भी बाल बांका नहीं कर सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं, तो उनकी उनके बयानों को तो बिल्कुल ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंज अभी नहीं आया है, वो उसी तरह से बनी है। और ये दौरा जो था वो इसलिए था कि शायद कुछ चेंज आ जाए, इसलिए कि इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही है, आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ है ग्लोबली, ख़ास तौर से जब से पेरिस पे अटैक हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिससे पाकिस्तान के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, तो उसी के लिए था। हम लोग तो एक बार नहीं कई बार इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। दूसरी बातचीत के बाद ये हो जाता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ रिलेटिव पीरियड जो होता है वो पीस कम मिल जाता है, अमन शांति कुछ समय के लिए बन जाती है। दूसरी बात एक ये भी था कि नवाज शरीफ साहब और फिर वहाँ की आम जनता चाहती है कि भारत से दोस्ती हो। पाकिस्तान पूरी तरह से विभाजित है दो भागों में, एक तरफ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वहाँ की जनता है जो चाहती है भारत से अच्छे संबंध हो और आतंकवाद में कमी आए, दूसरी तरफ वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं और सेना है, ये इनमें गठबंधन है और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत से किसी तरह का संबंध हो।